हमने अपना भाव लेने के लिए भी मंडी में ताला लगाना पड़ता, अपनी फसल बेचने के लिए भी रोड जाम करना पड़ता है। देश के अंदर जंगल राज चलाया जा रहा है। सतपाल ब्रह्मचारी बहुत अच्छे नेता हैं और आने वाले एमपी हमारे सतपाल ब्रह्मचारी होंगे और हमारे गांव की तरफ से एक तरफा जीत मिलेगी। विधायक जी का आशीर्वाद है, सारे कांग्रेस का आशीर्वाद इसके साथ है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी तरह काम करता रहे, आगे बढ़ता रहे। हमारे युवाओं का पूरा समर्थन है और हमने गांव की तरफ से पूरा सहयोग किया है। गांव में कोई हमारे गांव की तरफ से कोई कमी नहीं रही। पहल साहब, सरसाड़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ है। इतना स्वागत तो अभी तक जितने कार्यक्रम थे किसी में भी नहीं हुआ। क्या खास बात थी और क्यों इतना जोश था? ये खास बात और जोश इसलिए था कि ये जो मेरा छोटा भाई है आशीष, ये जब भी किसानों की मजदूरों की कोई लड़ाई लड़ी गई है तो सड़क पर जो हमने संघर्ष करना पड़ा है, जो इस सरकार के खिलाफ जातियाँ हमारे साथ हुई हैं, हमने अपना भाव लेने के लिए भी मंडी में ताला लगाना पड़ता, अपनी फसल बेचने के लिए भी रोड जाम करना पड़ता है। हमारे पूरे हरियाणा में चाहे सरपंचों की बात हो, कर्मचारी की, व्यापारी की, किसान की, मजदूर की, पूरे प्रदेश की जनता को, चाहे उसमें कोई भी हक अधिकार मांग रहा हो, क्या उसमें बीजेपी के लोग नहीं थे, उनको लाठियों से हाँका जा रहा है। देश के अंदर जंगल राज चलाया जा रहा है, तो इस जंगल राज से बचाने के लिए हमारा हरियाणा प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरे देश में था। ये इस यहाँ की संस्कृति को जाना जाया करता और आज यहाँ के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह आंका जा रहा है और हम उसको कैसे चुप देख सकते। सारी ये चीज़ें थी कि हम सब मिल करके इस देश से इस तानाशाही राजा को, जो रोने धोने के सिवाय देश के लिए देने को कुछ नहीं बचा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए सभी जाति और धर्म एकत्रित हो चुके हैं और उसी का नज़ारा वहाँ देखा आपने। इतनी रात को इतने बड़े लेवल पर सम्मान करने के साथ साथ लोग उत्साहित नज़र आ रहे थे, तो ये सब कारण था इस प्रोग्राम। आशीष भाई, आशीष लठवाड़ कौन है, लीला कौन है? भाई साहब, मैंने सारा गांव तो लीले के नाम से ही जानता है, वैसे नाम आशीष। आज के कार्यक्रम के बना दिया यो? आज मैंने 51,000 रुपये की माला तो डाली है सतपाल ब्रह्मचारी जी का, 51,000 की डाली है इंदुराज नरवाल बालू MLA विधायक जी का, और 51,000 रुपये की माला डाली है वीरेंद्र पहल प्रधान जी का, और चांदी का मुकुट उसके सतपाल ब्रह्मचारी जी का, और इंदुराज नरवाल का चांदी का मुकुट, और एक कुंटल लाडू में तोले हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी देसी घी के में, और एक कुंटल देसी घी में तोले हैं इंदुराज MLA बालू जी। क्या तक रहा इतना प्रोग्राम के जी मान रहे? सतपाल ब्रह्मचारी बहुत अच्छे नेता हैं और आने वाले MP हमारे सतपाल ब्रह्मचारी होंगे और हमारे गांव की तरफ से एक तरफा जीत मिलेगी। इनको हमने, हमारे पूरे गांव ने तय दिल से सहयोग किया है। जीनते ही गेमाना साड़ा रहे हैं, देखा प्रोग्राम? इंदुराज नरवाल हमारे बहुत अच्छे विधायक हैं और इन हम इनके साथ तय दिल से हैं, जो भी हमारे जिम्मेवारी लगाएंगे हम उसके ऊपर कायम उतरेंगे हर टाइम बालू के साथ। क्या बात है, जीनते ही आ रहे हैं आदमी आड़े किसक लग गया प्रोग्राम उरे न बरोदल के का। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था भाई ने, बहुत लठवाड़ साहब ने, भाई ने वीरेंद्र पहल जी ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा था, और जिस तरह जनता का आशीर्वाद मिलने लग रहा है तो ब्रह्मचारी की एक तरफा जीत लग रही है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। क्या जमा ये जो सतपाल ब्रह्मचारी जी इतने सम्मानित आदमी हैं, उसको बार ही बताने का प्रयास कर रहे थे, उसको लेकर यहाँ जो सोनीपत जिले के अंदर मान सम्मान दिया जा रहा है, ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि भगवान स्वरूप अगर कोई आदमी है तो वो सतपाल ब्रह्मचारी है। इसको केवल सोनीपत को नहीं, इस प्रदेश की जनता को इसकी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि प्रदेश का आने वाले समय में यहाँ से सांसद बनकर नेतृत्व करे। ये बारी नहीं है, ये भारी है सब पे, इसलिए इसका स्वागत हो रहा है। क्या है कि युवा होते हुए युवा नेता बनेगा, विधायक जी का आशीर्वाद है, सारे कांग्रेस का आशीर्वाद इसके साथ है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी तरह काम करता रहे, आगे बढ़ता रहे। विधायक जी, आज तो नोटा मर लड्डुआ मर सब क्या मत लगे? देखो, आशीष मेरा छोटा भाई है और बहुत मेहनती है। कांग्रेस पार्टी की कहीं भी रैली हो, दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी की, जहाँ भी इसको पता लग जाए चाहे देश ना हो, लेकिन ये पूरे दल बल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए तत्पर रहता है और मेरा तो भरपूर आशीर्वाद हर को सही हो रहेगा, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, मैंने बहुत आगे लेके जाना है और आप ऐसे लगे रहना भैया, हम आपके साथ हैं। मैं पूछ रहा था जी, ब्रह्मचारी जी आशीष के बनना है, कोई विधायक बनने का सपना तो नहीं है? बोला कुछ नहीं बनना, वरना सेवा करनी। बस नेता में यही गुण होते हैं भैया। एक क्या बात, आप देख सकते हैं स्वागत इस समय हो रहा है ब्रह्मचारी जी का, और साथ में बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, इधर इधर सर, इंदुराज जी आप भी देखिए। थैंक यू सर।
आशीष भाई कैसा लग रहा है आज इतना सम्मान किया है और ब्रह्मचारी जी के मुंह से भी ये बात हो रही है कि अच्छा लीडर बनना है? हमें जी सतपाल ब्रह्मचारी हमारे सर साढ़ गाँव में आए, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम अपने गांव से जीत की पूरी आप से वो देते हैं कि मतलब हमारे गांव से जीत कर जाएंगे हम, चाहे पर्ची पर लिख कर ले लें, हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है और उड्डा जी की अपनी सीट सोनीपत की जीत के और उड्डा साहब की झोली में डालनी है। तो मतलब ये युवाओं का पूरा समर्थन है? हमारे युवाओं का पूरा समर्थन है और हमने गांव की तरफ से पूरा सहयोग किया है, गांव में कोई हमारे गांव की तरफ से कोई कमी नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।